नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। ओडिशा ब्रजराजनगर। केंद्रीय श्रमिक संगठन स्वाधीन फेडरेशन एवं अन्य एसोसिएशन के तरफ से 8 जनवरी एवं 9 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, AICCTU, TUCC एवं इंडिपेंडेंट फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन जैसे श्रमिक संगठनों ने दर दाम वृद्धि बंद करने हेतु, सर्वनिम्न मजूरी 18,000 रुपए करने हेतु, प्रस्तावित श्रम संशोधन बिल बातिल करने हेतु, ठेका श्रमिक, स्कीम वर्कर, निर्माण एवं अन्य श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु, समान काम के समान पैसा देने हेतु, राष्ट्रीय उद्योगों का घरोईकरण बंद करने हेतु मिलित रूप से 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। कौशलमाटी न्यूज को श्रीमान अनित चक्रवर्ती, डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी AITUC ओडिशा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी CPI AITUC के जनरल सेक्रेटरी MCL एरिया ने फोन पर बताया कि आपका स्वागत है सर। सर, ये जो आंदोलन हो रहा है, जो देशव्यापी हड़ताल जो कर रहे हैं, इसमें क्या मुद्दा है सर, कैसे कर रहे हैं? हमारा मुद्दा है कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ। जो कमर्शियल माइनिंग का प्रस्तुति ले रहे हैं, इसके विरोध में। 2 नंबर है देश के संविधान के ऊपर में हमला के खिलाफ, हम उतरे हैं लड़ाई में। 3 नंबर है जो समो आइन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, उसको जो संशोधन के लिए अमेंडमेंट कर लिए तो कोशिश कर रहे हैं। समो विरोधी आइन, उसके खिलाफ में हम आवाज उठाए जी। हमने कंपेंसेशन एक्ट आदि आदि जितने कानून है उसके खिलाफ जी। एवं जो कोल ब्लॉक जो बेचने के लिए कोशिश चल रहा है बड़े बड़े पूंजीपतियों को जी, इसके कारण ये है 1972 नेशनलाइज हुआ, राष्ट्रीयकरण किए जी। 1975 में 1975 में नॉन कोल का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके दौरान सारा हिंदुस्तान भर में पब्लिक सेक्टर का विराट डेवलपमेंट, विराट प्रोग्रेस हुआ जी। और 1972 आफ्टर बिफोर नेशनलाइजेशन, ये बिरला, टाटा, कर्णानी, झुंझुनवाला के हाथ में ये कोयला खदान था। कोयला मजदूर लड़ाई करके ये अपना हक को हासिल किए थे। फिर अपना नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको प्राइवेटाइजेशन के मोड में ले जा रहे हैं। इसके साथ साथ कोयला खदान में 100% आउटसोर्सिंग कर चुके हैं, 100% आउटसोर्सिंग कर चुके हैं। एवं जहां कोयला खदान में प्रॉफिटेबल कोयला खदान, जहां कोयला उत्पादन होता था, कोयला था, कोयला है, उस जगह को अपना आउटसोर्सिंग करने के लिए अभी से शुरुआत कर दिए हैं। दैनंदिन माइन बंद कर रहे हैं। आपका माइन नंबर 4 ओरियंट एरिया, महानदी कोल फील्ड के अंदर में ओरियंट एरिया को बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बंद हो ही गया है। उसमें आपका आउटसोर्स लगाएंगे नंदिरा कोरियारी तालचेर कोल फील्ड में जी। नंदिरा हंडीरुआ चंपा पोसी, उसके अंदर में बहुत कोयला है, कोयला खदान बंद हो गया है जी। तो ये जो जितने चल रहा है इसके खिलाफ में हूँ। और उसके बाद हमारा कोयला खदान में ही नहीं, सारा पब्लिक सेक्टर में एक रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं। वो मजदूर दैनंदिन रिटायर्ड होकर जा रहे हैं और कोयला खदान के मजदूर रिटायर्ड होने के बाद वहाँ वर्कलोड, जो वर्कर एग्जिस्टिंग जो वर्कर्स है उसके ऊपर में वर्कलोड बढ़ रहा है, लेकिन रिक्रूटमेंट बंद करके रखे हैं। ठिकादार मजदूर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर में एक नीति निर्धारित होना चाहिए था, उन्होंने नहीं किए जी। उसके बाद 2014 में जिस तरह उन्होंने निर्वाचन इश्तहार
जो प्रकाश किए थे, ये मजदूरों के ऊपर में कोई हमलाबाजी नहीं चलेगा, तो मजदूरों के ऊपर में ज्यादा से ज्यादा हमला चल रहा है जी। उसके बाद जारा सारा भारत में जितना इंडस्ट्रीज है, वो कोयला हो, सेल हो, भेल हो, एनटीपीसी हो, नेल्को हो, पोस्टल हो, बैंक कर्मचारी के ऊपर में हमला जितने चल रहा है, उसके खिलाफ में हम सारा हिंदुस्तान भर में 8 एवं 9 जनवरी को ऐतिहासिक धर्मघट, ऐतिहासिक हड़ताल हम करने जा रहे हैं। इसलिए हमने सारा आवाम को, सारा जनसाधारण को, सारा श्रमिक वर्ग को हम लोगों ने आह्वान किया है कि इस हड़ताल को सफल बनाए, यही हमारा यह है। एवं संविधान को बचाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, ये नारा है जी। जी धन्यवाद सर।